खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र में कब बनेगी सरकार, जी हां बड़ा सवाल यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। बात महाराष्ट्र की राजनीति की ही होगी। महाराष्ट्र में सरकार फंसी हुई है, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ये जो तिकड़ी है जो मिलकर सरकार क्या बना लेगी। तिकड़ी की खिचड़ी तो पक रही है लेकिन खिचड़ी अभी भी पूरी तरह से पकी नहीं है। सुना जा रहा है कि तीनों ने मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सरकार का ब्लूप्रिंट बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ब्लूप्रिंट बना लिया है तो फिर देर किस बात की है। अगले 24 घंटे में मीटिंग का फिर से मैराथन दौड़ शुरू होने वाला है। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने के लिए तीनों ही पार्टियां, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता जाएंगे। अगर बैठक हुई तो राज्यपाल के सामने पहली बार ये तीनों पार्टियों के नेता एक साथ दिखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ नहीं लेकिन तीनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। खिचड़ी अगर पक गई है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन गया है तो फिर सरकार बनाने में देरी आखिर किस बात की हो रही है। राज्यपाल से भी आज तीनों पार्टियों के नेता मिलने जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने नहीं जा रहे बल्कि किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए ये लोग राज्यपाल के पास जा रहे हैं। कल तक ऐसा वैसे लग रहा था कि 17 नवंबर को यानी कि बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिवस पर सरकार आ जाएगी, सरकार बन जाएगी, इसका दावा पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जोड़ तोड़ के गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने कह दिया है कि सरकार बनने में वक्त लगेगा। चूंकि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का मिलन आसान नहीं रहा है इसीलिए पवार का इतना कहना भी कई सस्पेंस की शुरुआत कर रहा है। देखिए, चूंकि शिवसेना चाहती थी कि 17 तारीख को सरकार बनाने का सरकार बनाने की घोषणा हम कर दे, चूंकि कल 17 तारीख को जो शिवसेना के प्रमुख रहे हैं बाला साहेब ठाकरे, उनकी पुण्यतिथि है। लेकिन शरद पवार ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी तो वक्त लगेगा। कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक नहीं है वैसे, इसका एक इशारा सामना में छपे लेख से भी लगता है। जब शिवसेना और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट होटल से बाहर निकाल लिया है तब फिर से सामना में लिखा गया है कि घोड़ा बाजार शुरू है। शिवसेना ने नितिन गडकरी के कल के बयान को गंभीरता से लिया है और इसमें गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति को क्रिकेट मैच से जोड़ा था। ये देखिए सामना में क्या लिखा है, राज्य में नई समीकरण बनता देखकर कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कौन कैसे सरकार बनाता है देखता हूं। अप्रोक्ष रूप से इस प्रकार की भाषा और कृत्य किए जा रहे हैं, ऐसे श्राप भी दिए जा रहे हैं कि अगर सरकार बन भी गई तो कैसे और कितने दिन टिकेगी देखते हैं। ऐसा भविष्य भी बताया जा रहा है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं टिकेगी। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए यह हरकत महाराष्ट्र के सामने आ रही है। हम महाराष्ट्र के मालिक हैं और देश के बाप हैं, ऐसा किसी को लगता होगा तो वो इस मानसिकता से बाहर आए। ये मानसिक अवस्था 105 वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। एक तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता के नाम पर उनका खेल शुरू है और इसमें मोदी का ही नाम खराब हो रहा है। तो बीजेपी पर वार शिवसेना के मुखपत्र सामना में कुछ इस तरह से किया गया है। एक तरफ फडणवीस राज्य में फिर से बीजेपी की ही सरकार का दावा करते हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने क्रिकेट का रबड़ी बॉल राजनीति में फेंक दिया है। गडकरी का क्रिकेट से संबंध नहीं है, संबंध है तो शरद पवार और क्रिकेट का है। अब अमित शाह के बेटे जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव बन गए हैं, इसीलिए बीजेपी का क्रिकेट से अधिकृत संबंध जोड़ा गया है। आजकल क्रिकेट खेल कम और धंधा ज्यादा बन गया है और क्रिकेट के खेल में भी राजनीति की तरह घोड़ा बाजार शुरू है। राजनीति में सट्टा बाजार का जोर है, ऐसे ही क्रिकेट में भी शुरू हो जाने से जोड़ तोड़ और फिक्सिंग का वो खेल मैदान में शुरू हो गया है। इसीलिए वहां खेल की जीत होती है या फिक्सिंग जीतती है इससे लेकर संशय रहता ही है। इसीलिए गडकरी द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक खेल को क्रिकेट का रोमांचक खेल की उपाधि देना ठीक ही है। तो जमकर निशाना साधा है शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर। सुनिए गडकरी ने कल आखिर कहा क्या था कि महाराष्ट्र की इस जोड़ तोड़ को लेकर के। एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। समवेयर यू फील दैट यू आर लूजिंग मैच बट द रिजल्ट इज अल्टीमेटली एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट।
तो देखिए क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कई बार लग रहा होता है कि मैच टीम हारने वाली है लेकिन जीत जाती है, कई बार लगता है कि टीम जीतने वाली है वो हार जाती है। तो ये बड़ा संकेत नितिन गडकरी की तरफ से दिया गया था और उसके बाद ही ये सवाल शुरू हुए कि क्या बीजेपी भी किसी तरह का जोड़ तोड़ लगा रही है, किसी तरह का कोई प्रयास चल रहा है। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति पर बातचीत करने के लिए जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता मुंबई से जुड़ रहे हैं और इधर दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आते हुए बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर रोज नई नई खबरें हो रही है, रोज नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, मीटिंगें हो रही है, लेकिन अभी मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगी ताजा हालात क्या है, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आज का अपडेट आपको बता दूं कि आज शाम को तीनों ही पार्टियां, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों ही पार्टियां पहली बार पब्लिकली एक साथ सामने आएंगी और राज्यपाल को मिलकर अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगी। दरअसल एजेंडा तो ये रखा गया है राज्यपाल से इस मुलाकात का कि राज्य में बेमौसम बारिश की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है उसके लिए राज्यपाल कुछ कदम उठाएं, उस मामले में प्ली करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन इनका असली मकसद ये माना जा रहा है कि तीनों ही पार्टियों की तरफ से एक ये संदेश दिया जाए कि हम एक हैं और सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी तरफ आज जो सामना में एडिटोरियल छपा है वो एक तरह से शिवसेना के इस डर को पेश कर रहा है, वो डर कि कहीं बीजेपी जो है शिवसेना के विधायकों में या दूसरी पार्टी के विधायकों में सेंधमारी ना कर ले, विधायकों की खरीद फरोख्त ना शुरू हो जाए। और इसके पहले के एडिटोरियल्स में भी सामना ये बात बार बार कह चुकी है और यही वजह है कि शिवसेना ने अपने विधायकों को एक रिसोर्ट में करीब हफ्ते भर तक छुपा कर रखा हुआ था और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को जयपुर भेज दिया था। तो जाहिर तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है शिवसेना को और इस वजह से इस तरह की बात शिवसेना कर रही है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी से जब हमने बात की, एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक से, तो उनका कहना है कि कांग्रेस हमें समर्थन तो दे रही है लेकिन अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि कांग्रेस जो है सरकार का हिस्सा बनेगी या सरकार को बाहर से समर्थन देगी। एनसीपी का मानना है कि सरकार का हिस्सा बनना चाहिए कांग्रेस को, नहीं तो सरकार अस्थिर रहेगी और सेंधमारी की उससे गुंजाइश पैदा होती है। जो आप कांग्रेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो जानने के लिए मैं सीधे जैनेन्द्र का रुख करूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर भी खास नजर जैनेन्द्र रखते हैं। जैनेन्द्र, आप बताइए कि कांग्रेस के खेमे से क्या खबर आई है, क्या सरकार का हिस्सा बनेगी? कल तो खबर आ रही थी कि 2.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का उप मुख्यमंत्री भी होगा। अभी कांग्रेस खेमे में क्या सुबुगाहट है? शरद पवार से सोनिया गांधी की मुलाकात भी होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो बड़े नेता हैं, मसलन अगर हम केंद्रीय स्तर की बात करें, जो लोग इस निगोशिएशन में शामिल हैं वो अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं इस गठबंधन के स्वरूप को लेकर के कि कांग्रेस सरकार के अंदर शामिल होगी या नहीं होगी। ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के अपने विधायकों का एक मत है, विधायकों की ये राय है कि सरकार में शामिल हुआ जाए। लगता नहीं कि कांग्रेस अपने विधायकों की इस राय के खिलाफ जाएगी, लेकिन अभी भी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि अभी स्पष्ट नहीं है, अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी आखिरी फैसला लेना बाकी है। इन सब के बीच कल रविवार को शरद पवार और सोनिया गांधी की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है और कांग्रेस के बड़े सूत्र ये कह रहे हैं कि शरद पवार और सोनिया गांधी की इस मुलाकात के बाद ही आधिकारिक तौर पर चीजें स्पष्ट होंगी क्योंकि सरकार शिवसेना की बनेगी और एनसीपी और कांग्रेस की उसमें भूमिका होगी, ये लगभग तय लग रहा है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि शिवसेना का हम समर्थन करने जा रहे हैं बाहर से या अंदर से। तो जाहिर है पहले तो अभी यह ऐलान होगा कि हम समर्थन कर रहे हैं, सरकार में शामिल होंगे या नहीं ये फिलहाल दूसरी बात है। लग यही रहा है कि संकेत दोनों के सकारात्मक है कि समर्थन भी करेंगे और सरकार में भी शामिल होंगे, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है कि इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। लगता यही है कि कांग्रेस का जो राज्य नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उसकी इच्छा है कि सरकार में शामिल हुआ जाए और इसी वजह से जो प्रदेश के नेता है वो टच में है, न सिर्फ एनसीपी के बल्कि शिवसेना के भी। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी भी थोड़ी दुविधा में है कि आखिर करना क्या है क्योंकि प्रदेश के नेताओं को सिर्फ महाराष्ट्र दुविधा के लिए वक्त लंबा होता जा रहा है। जैनेन्द्र, दुविधा के लिए वक्त लंबा होता जा रहा है इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्या चाहती है, साफ नहीं कर रही, कांग्रेस की वजह से वक्त इतना ज्यादा लग रहा है। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, आपके पास भी आऊंगी, संजय राउत के उस ट्वीट की बात करूंगी जिसमें वो दर्द की बात कर रहे हैं, एहसान की बात कर रहे हैं। देखिए, रोज की तरह संजय राउत का आज भी जो मौजूदा हालात है उसको लेकर उन्होंने एक शेयर किया है ट्विटर पर। अब उनके आज के शेयर में नए मौसम, नए दर्द, नए एहसान की बात हो रही है। देखिए क्या लिखा है संजय राउत ने, यारो नए मौसम ने ये एहसान किया है, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते।
तो हर रोज संजय राउत इस तरह के एक शेर के साथ, कविता के साथ आते हैं। जितेंद्र, ये कौन से नए मौसम की बात कर रहे हैं, एहसान क्या है, दर्द क्या है, इसे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, जरा आप थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, जो नया मौसम है वो जाहिर तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ अब उनकी बातचीत चल रही है और वो सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो पुराने दर्द की बात हो रही है, पुराना दर्द दरअसल वो बीजेपी के साथ जो सत्ता में रहे उसकी ओर वो रिफर कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब सरकार में थे, पिछली सरकार में, तब भी कई बार ये कह रहे थे कि बीजेपी बरोबर आमची युति सड़ली, मतलब कि उनके बीच में कुछ भी उस वक्त सहज नहीं था। और एक तरह से जब ये दर्द की बात करते हैं तो बीजेपी के साथ जितने सालों तक ये गठबंधन में रहे और इनके बीच आपसी जो भी खींचतान रही उसकी ओर ये रिफर कर रहे हैं। और जब नए मौसम की बात है, नया मौसम तो यही है कि अब जो समान विचारधारा वाली पार्टी थी, जो समान विचारधारा वाली पार्टी थी, हिंदुत्व वाली पार्टी थी, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी, बीजेपी को छोड़कर अब खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टियां जैसे कि कांग्रेस और एनसीपी, जो कि शिवसेना को सांप्रदायिक बताती आई थी और शिवसेना की अपनी छवि जो है कट्टर हिंदूवादी पार्टी की रही है, तो अब इन दोनों पार्टियों का जो मेल होने जा रहा है तो यही नया मौसम समझा जा सकता है। बिल्कुल, यही नया मौसम समझा जा सकता है। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप राजनीति पर नजर बनाए रखिएगा महाराष्ट्र की। और राजेंद्र, आप भी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों के पास हम आते रहेंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज जो डेवलपमेंट होने जा रहा है वो ये कि तीनों पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि दरअसल सरकार बनाने का कोई दावा नहीं पेश करेंगे आज, बल्कि किसानों के मुद्दे पर बातचीत होगी राज्यपाल से, चूंकि किसानों के मुद्दे को लेकर कल नागपुर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने की थी। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि किसानों के बारे में सोचा जाए, चूंकि किसान बेहाल स्थिति में है। लेकिन शिवसेना लगातार चौकन्नी है, शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि बीजेपी के बगैर महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं बन सकती है। देखिए जरा रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय ने समारोह में सारे को विश्वास दिया है कि जिनके 105 और 19 सहयोगी, 14 सहयोगी मिलकर 119 बनते हैं, उनको लेने के बिना इस राज्य में सरकार बन नहीं सकती। इसलिए जो भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी।